हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, आपने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, जर्नल हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर हम दो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक इसका पार्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा पार्ट है इसके अंदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने हेडिंग में लिखा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप रिकॉल करो अपनी मेमोरीज को, अगर आपने समर वेकेशन में रिवाइज किए हो अपने टॉपिक्स, तो आपको ध्यान आएगा कि अकाउंटिंग क्या है हमारा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू क्लासिफाई record and present financial statements। अगर आप recall करें तो आपको याद आएगा कि हमारे accounting की definition क्या थी। Accounting is an art of recording, मैंने classify पहले लिख दिया है, is an art of recording, classifying and summarizing the financial statements of a business organization। अगर हम इसे शॉर्ट में बात करें, अगर हम इसे लॉन्ग वे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, शुड बी रिकॉर्डेड and interpreting or communicating those financial statements। The complete process or complete definition will describe our accounting। Accounting की हमने definition पढ़ ली, अब बात कर लेते हैं इसकी process की। इस chapter के अंदर हमारे पास repeat हो रहा है ये topic। अगर मैं आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो आपको पता चलेगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अगर ध्यान हो तो हमने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा था। वही अकाउंटिंग साइकिल हमारे लिए क्या है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं इस अकाउंटिंग साइकिल की बात करूं तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास होती है एक ट्रांजेक्शन, फिर वो ट्रांजेक्शन के बाद हम चलते हैं जर्नल पर, फिर हम आ जाते हैं लेजर पर। ये सब क्या है मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाली हूं। फिर हम आ जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस पर, और फिर हम पहुंचते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, और फिर फाइनली आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रोटेट होती है। इसी अकाउंटिंग साइकिल को हम बोलते हैं अपनी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी, और इसी अकाउंटिंग साइकिल को ही हम यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं डेफिनेशन में, दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जब आप अपनी बुक्स में रीड करोगे तो आपको ये प्रोसेस मिलेगी, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन।
यानी कि जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि हमें अपने लिए ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते समय हमें क्या ध्यान में देना है, बहुत सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में देने हैं। एक तो वो कौन से कैरेक्टर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर की, यानी कि जिसको आप फाइनेंस की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी की ऑनेस्टी की, क्या मैं उसे फाइनेंस की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकती हूं? नहीं कर सकती। बट अगर मैं बात करूं चेयर्स की, तो क्या मैं चेयर्स को फाइनेंस में कैटेगराइज कर सकती हूँ, क्या मैं उसे फाइनेंशियल कैरेक्टर में कंसीडर कर सकती हूँ? तो यस, मैं उसकी बुक वैल्यू को, उसकी एक्विजिशन वैल्यू को फाइनेंशियल कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। तो जब भी आप अपने लिए ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो आपको चेक करना है उसका कैरेक्टर कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है या नहीं है। कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट, कि क्या आप उसे मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव टू चेक आउट एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उस ट्रांजेक्शन का एविडेंस। अब एविडेंस का मतलब क्या है कि कहां से, किस बेसिस पर हम इस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को कहां से अराइज किया गया है, इसका एविडेंस क्या है कि ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। आपने सुना होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने का पर्पस ही यही होता है कि वो ये चेक करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जितने भी आपने इनकम्स शो किए हैं, एक्सपेंसेस शो किए हैं, उनका एविडेंस क्या है, क्या एक्चुअल में आपने वो एक्सपेंस को पे किया है या फिर आप कुछ फ्रॉड करने के लिए उस एक्सपेंस को अपनी बुक्स में शो कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रांजेक्शन का एविडेंस। अब बात आती है कि हमें इस ट्रांजेक्शन का एविडेंस मिलेगा कहां से। इस ट्रांजेक्शन का एविडेंस हमें मिलता है हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट से। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए एक एविडेंस चाहिए होता है, और उस एविडेंस को हम बोलते हैं हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट, या फिर हम इसे बोलते हैं वाउचर्स। ठीक है, अब बात आती है कि वाउचर्स क्या है या फिर ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। अब जैसे मान लिया कि मैं गई मार्केट में परचेज करने बुक, ठीक है, मैंने बोला सेलर को कि मुझे बिजनेस स्टडीज की बुक चाहिए, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की बुक चाहिए मुझे, और अकाउंट्स की बुक चाहिए, इस राइटर की और इस पब्लिशर की मुझे बुक चाहिए। उसने मुझे बुक्स दे दी, मैंने उसे पेमेंट कर लिया, मैंने उससे अमाउंट पूछा और उसको मैंने पे किया। अब जब मैंने अमाउंट पे किया तो मैंने उसको बोला कि मुझे बिल चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने उससे बिल रिसीव किया उसको हम बोलते हैं कैश मेमो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो भी आप बिल रिसीव करते हो और जिसमें हम कैश में पेमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैश मेमो। वो हमारे लिए क्या काम करेगा, हमारे लिए वो सोर्स डॉक्यूमेंट का, यानी कि वो हमारे लिए वाउचर का काम करेगा। वो मेरा अब एविडेंस है कि मैंने इस पर्टिकुलर सेलर से ये दो बुक्स परचेज की हैं इस डेट पर और इतने प्राइस पर। वो मेरी बुक्स में, मेरे अकाउंट्स के अंदर मेरी बुक्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करने का एक एविडेंस शो करेगा। इसी तरह से हमारे कैश मेमो के अलावा और क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा हमारा इनवॉइस हो सकता है। इनवॉइस मतलब कि आपने बिल प्रिपेयर कराया है लेकिन अभी उसके लिए आपने कैश पे नहीं किया है, इनवॉइस बोलो इसको या फिर बिल बोल सकते हैं।
कैश मेमो वो है जिसके लिए आप कैश पे कर दोगे, यानी कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश मेमो, बाकी ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस या फिर बिल। इसके अलावा हमारी पासबुक एविडेंस हो सकती है। ठीक है, मान लिया कि मुझे अपनी बुक्स में शो करना है कि मैंने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से, अब जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ पर्सन ही अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, बिजनेस के नाम से आपको पता है कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी अपने ही नाम से अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकती है। तो उस बैंक की पासबुक, आपको पता होगा कि अगर हमारा बैंक अकाउंट होता है तो हमारे पास पासबुक आती है, पासबुक के अंदर हमारे सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है कि हमने क्या क्या पेमेंट की है बैंक अकाउंट से और कितना हमने डिपॉजिट किया है अपने बैंक अकाउंट में, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर। तो वो पासबुक भी हमारे लिए क्या बन जाती है, सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमारे चेक्स, मान लिया कि मैंने अपने बुक्स में शो किया दैट कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर इन द फॉर्म ऑफ चेक। आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हो जर्नल का, अगर मुझे इसे रिकॉर्ड करना हो तो इसका मतलब मैंने अपने डेटर से चेक रिसीव किया, जिसका मतलब मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट किया होगा। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले मैंने जब आइडेंटिफाई किया कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसका एविडेंस क्या है, कहां से किस बेसिस पर मैं इसे रिकॉर्ड करूं। तो जो चेक मुझे मिला है उसकी आप फोटोकॉपी अपने पास रख सकते हो एज एन सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल है, इसके अलावा हमारे चलान्स भी हो सकते हैं, ड्राफ्ट्स भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स की टाइप होती हैं। तो सबसे पहला काम हमारे लिए यही होता है, या तो आप आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन को, आइडेंटिफाई करते समय आपको क्या करना है, उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर चेक करना है, उसके लिए आपको ये चेक करना है कि आप उसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फिर आपको ये देखना है कि आपके ट्रांजेक्शन का एविडेंस क्या है, क्या सबूत है कि आपने ये ट्रांजेक्शन सच में की है, क्योंकि ऑडिट के टाइम पर आपसे एविडेंस मांगा जाता है, तो आपके पास रेलेवेंट प्रूफ होना चाहिए। वो सारे प्रूफ इस फॉर्म में हो सकते हैं, वो कैश मेमो, इनवॉइस, पासबुक, चेक्स, चलान्स, ड्राफ्ट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये सारे आपको मेंटेन करने होते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। इन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं और वाउचर्स भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन।